हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट। सो आपका चैप्टर नंबर सिक्स एसएसटी में फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद आवर न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर सेवन। सो सबसे पहले हमने चैप्टर फिफ्थ में इक्विटोरियल फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था। चैप्टर सिक्स में हमने पढ़ा टेम्परेट ग्रासलैंड। अब नेक्स्ट आता है हमारा हॉट डेजर्ट। तो हम हॉट डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड मैप में कहाँ कहाँ है। सेम उसी ऑर्डर में पहले हॉट डेजर्ट के बारे में जानेंगे, उनकी लोकेशन जानेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ का क्लाइमेट पढ़ेंगे, क्लाइमेट पढ़ने के बाद प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे प्लांट्स कैसे उगते हैं। प्लांट्स पढ़ने के बाद वहाँ के एनिमल्स कैसे किस टाइप के एनिमल्स रहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइफ ऑफ पीपल, वहाँ की पीपल की लाइफ कैसी होती है। सेम सब कुछ जैसे हमने इक्विटोरियल और टेम्परेट ग्रासलैंड में पढ़ा था, उसी ऑर्डर में हमें हॉट डेजर्ट्स में भी पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। अ डेजर्ट इज अ लैंड फॉर्म विच हैज वेरी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। इट हैज वेरी लिटिल और नो रेनफॉल एंड लिमिटेड वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। There are three types of desert: hot, cold and temperate. ठीक है, जो इसमें बताया गया है डेजर्ट स्टूडेंट जो होते हैं उनकी वेरी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक, बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन होती है। वहां पे बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होती या थोड़ी सी होती है, ठीक है। और लिमिटेड वेजिटेशन मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ प्लांट्स वहां होते हैं और लिमिटेड नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ ही होती है डेजर्ट्स में। तो वहाँ की डेजर्ट जो है थ्री टाइप्स की डेजर्ट जो होती हैं थ्री टाइप्स की होती हैं, हॉट, कोल्ड या फिर टेम्परेट। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हॉट डेजर्ट। बिल्कुल हॉट डेजर्ट होते हैं, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। चैप्टर का नाम से ही आपको पता चल गया होगा, ठीक है। हॉट डेजर्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल डेजर्ट। दे आर फाउंड बिटवीन 15 डिग्री एंड 30 डिग्री नॉर्थ। तो इक्वेटर से हम ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री नॉर्थ में जाते हैं, और इक्वेटर से नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री साउथ 2 डिग्री साउथ 3 डिग्री साउथ ऐसे जाते हैं। तो 15 डिग्री फाउंड बिटवीन 50 डिग्री एंड 30 डिग्री नॉर्थ। तो 15 डिग्री ये होगा करीब यहाँ पे और 30 डिग्री, तो इसके बीच में 15 टू 30 डिग्री नॉर्थ में पाए जाते हैं। ओके ओके ठीक है। ऑफ द इक्वेटर 15 डिग्री एंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, जितना ऊपर होगा नॉर्थ एंड साउथ उतना ही नीचे होगा ऑफ द इक्वेटर। ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट दीज डेजर्ट लाई नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। रिफर टू द मैप गिवन बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। सम इम्पोर्टेंट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड आर। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, सहारा एंड कालाहारी डेजर्ट इन अफ्रीका। तो इनको आपको डेजर्ट के नाम बताए गए हैं अभी हम पढ़ेंगे। तो अफ्रीका में बताया गया है सहारा एंड कालाहारी। तो ये अफ्रीका ये है हमारा, तो यहाँ पे सहारा और कालाहारी डेजर्ट हैं, ठीक है। ग्रेट बेसिन डेजर्ट इन नॉर्थ अमेरिका, तो ये ग्रेट बेसिन डेजर्ट है नॉर्थ अमेरिका में। अरेबियन डेजर्ट इन अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है अभी हम बताएंगे क्या है। मैक्सिकन डेजर्ट इन मैक्सिको, सो मैक्सिको किधर आता है, यहाँ पे कहीं लाई करता है। थार डेजर्ट इन इंडिया, तो ये थार डेजर्ट हो गया। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। तो ये सर अरेबियन डेजर्ट आएगा, ये अरेबियन कंट्रीज है, तो ये होता है अरेबियन डेजर्ट यहाँ पे है। These hot deserts are formed due to the effect of dry winds that blow in the belts. तो ये जो hot desert बनते हैं, these hot desert किसकी वजह से बनते हैं, जो effect of dry wind, जो गर्म हवाएं चलती हैं उसकी वजह से ये hot हो जाते हैं, hot desert बोले जाते हैं। They are also a result of deforestation, as a result of which the fertile top soil is blown away, leaving behind a land covered with the infertile soil. तो ये कहते हैं डिफॉरेस्टेशन के रिजल्ट की वजह से भी
अनफर्टाइल हो गए हैं, इनकी टॉप सॉइल जो है जिसमें प्लांट्स उगते हैं, ट्रीज वगैरह, वो सब हट गई है ऊपर से, जिसकी वजह से ये अनफर्टाइल एरिया हो गए हैं। वेन यू थिंक ऑफ डेजर्ट, यू प्रोबेबली थिंक ऑफ स्क्रॉचिंग हॉट टेम्परेचर अलॉन्ग विथ सैंड, कैक्टी एंड कैमल। जब भी आप डेजर्ट के बारे में सोचते हैं तो सीधा आपके दिमाग में आता है एक तो हॉट टेम्परेचर, एक आता है वहां पे सैंड ही सैंड होगी, दूसरा आता है आपके दिमाग में कि आपका वहां पे कैक्टस होगा और एनिमल्स कैमल्स प्रेजेंट होंगे डेजर्ट में। वेल, नॉट ऑल डेजर्ट आर हॉट, सारे डेजर्ट हॉट नहीं होते। सम ऑफ द कोल्डेस्ट लोकेशन आर एक्चुअली कंसिडर्ड डेजर्ट बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली कोल्ड। तो जो वर्ल्ड में कुछ जगह हैं जो एक्सट्रीमली कोल्ड हैं और वो डेजर्ट कहलाती हैं बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली कोल्ड। इट्स डिफिकल्ट फॉर ह्यूमंस टू लिव देयर एंड वेरी फ्यू एनिमल्स एंड प्लांट्स आर फाउंड ओवर देयर। ठीक है, तो वहां पे बहुत ही फ्यू एनिमल्स एंड प्लांट्स आर फाउंड। अदर देन हॉट डेजर्ट देयर आर कोल्ड डेजर्ट एंड टेम्परेट डेजर्ट। तो हॉट डेजर्ट की जगह कोल्ड डेजर्ट और टेम्परेट डेजर्ट्स भी प्रेजेंट हैं। कोल्ड डेजर्ट्स आर फाउंड बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल, बिटवीन द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल। क्या वो नॉर्थ पोल और आर्टिक सर्कल के बीच में कोल्ड डेजर्ट है और साउथ पोल और एंटार्क्टिक सर्कल यहाँ पे कहीं पास हो रही होगी, तो उसके बीच में भी कोल्ड डेजर्ट प्रेजेंट है। इन द कोल्ड डेजर्ट द टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली लो विथ स्नोफॉल इन विंटर एंड द टेम्परेचर गोइंग बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। तो इनका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से स्नोफॉल भी हो जाती है, और इनका टेम्परेचर इतना लो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर होता है, उसकी वजह से स्नोफॉल होती है। देयर इज हैवी स्नोफॉल इन विंटर, देयर इज हार्डली एनी वेजिटेशन इवन ड्यूरिंग द माइल्ड समर। तो एंटार्क्टिक इज अ कोल्ड डेजर्ट, हम इसे एंटार्क्टिक को कोल्ड डेजर्ट भी बोल सकते हैं, यहाँ पे कोई वेजिटेशन मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल है वेजिटेशन मिलना, और समर्स में भी नहीं मिलती वेजिटेशन। एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड डेजर्ट आर ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, टुंड्रा इन रशिया एंड तर्केस्तान एंड तकलामकन डेजर्ट इन सेंट्रल एशिया। ये थोड़े नाम हैं आपको याद करने पड़ेंगे। दी एटकेमा डेजर्ट अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ पेरू एंड चाइल्ड दी नेमिम इन साउथ वेस्ट अफ्रीका। टेम्परेट डेजर्ट्स आर फाउंड इन द हाइयर लैटिट्यूड बट बिलो द आर्टिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल। जो टेम्परेट डेजर्ट है वो हाइयर लैटिट्यूड पे पाए जाते हैं बट आर्टिक सर्कल से नीचे और एंटार्क्टिक सर्कल से ऊपर पाए जाते हैं। विंटर्स आर लॉन्ग एंड कोल्ड, मोस्ट प्रेसिपिटेशन इज ड्यूरिंग विंटर वेन द स्नो मेल्ट्स। फ्यू एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेट डेजर्ट आर द गोबी डेजर्ट इन मंगोलिया इन एशिया, द मोजावे एंड सोनोरेन डेजर्ट इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, सो जो मोस्ट प्रेसिपिटेशन मतलब रेन या स्नो गिरती है इन डेजर्ट में, वो विंटर में गिरती है, और इन डेजर्ट के नाम आपको दिए गए हैं, गोबी डेजर्ट इन मंगोलिया एशिया में है ये, मोजावे एंड सोनोरन डेजर्ट इन नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका में टेम्परेट डेजर्ट। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स क्लाइमेट। सो चलिए लेस क्लाइमेट और कर लेते हैं। देयर आर सम वेरी स्पेशल फीचर ऑफ द क्लाइमेट इन हॉट डेजर्ट। तो जो क्लाइमेट है हॉट डेजर्ट का, उनका थोड़े से स्पेशल फीचर है। द स्काई इज क्लियर, देयर आर नो क्लाउड इन द स्काई ड्यूरिंग द डे एज वेल एज इन द नाइट। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है हॉट डेजर्ट का, वहां का स्काई बिल्कुल क्लियर रहता है, ना कोई क्लाउड होता है डे में ना ही नाइट में। ड्यूरिंग द डे द सन शाइन ब्राइटली एंड इंटेंसिटी ऑफ द सन रे हीट अप द लैंड वेरी रैपिडली। तो सन बहुत शाइन करता है ब्राइटली, जिसकी सन रे की वजह से
जो लैंड होता है वहां का लैंड बहुत ही जल्दी हीट अप हो जाता है। सिमिलरली ड्यूरिंग द नाइट द लैंड लूजेस हीट वेरी रैपिडली एंड कूल्स डाउन वेरी क्विकली। तो जैसी नाइट आती है तो अंधेरा हो जाता है, तो रात को क्या होता है कि एकदम से जो वहां की लैंड जब सैंड प्रेजेंट होती है वहां की सैंड हीट रिलीज करती है टेम्परेचर गिरने की वजह से, इसकी वजह से एकदम से रात को बहुत ही ठंडक पड़ जाती है, ठंडा ठंडा हो जाता है। दिस रिजल्ट इन एक्सट्रीम क्लाइमेट इन द डेजर्ट, इसकी वजह से एक्सट्रीम क्लाइमेट का चेंज होता है, सुबह बहुत गर्मी और रात को बहुत ठंड। द टेम्परेचर इज इन मोस्ट ऑफ द हॉट डेजर्ट इज अमंग द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। तो इनका जो हॉट डेजर्ट है इनका जो टेम्परेचर होता है हाइएस्ट इन द वर्ल्ड होता है। द डे टेम्परेचर राइजेस एज हाई एज 50 डिग्री, तो जो दिन का टेम्परेचर होता है स्टूडेंट्स एज मच हाई 50 डिग्री के बराबर टेम्परेचर पहुंच जाता है। एट द सेम टाइम द नाइट टेम्परेचर ड्रॉप रैपिडली टू एज लो एज 10 डिग्री इवन ड्यूरिंग द समर सीजन। तो नाइट में क्या होता है टेम्परेचर एकदम से गिर जाता है कितना 10 डिग्री तक। एनदर फीचर ऑफ द हॉट डेजर्ट इज द लैक ऑफ सफिशियंट रेनफॉल, तो इसका एक और फीचर क्या है हॉट डेजर्ट का, लैक ऑफ सफिशियंट, बहुत ही कम रेनफॉल होती है। हॉट डेजर्ट गेट लेस देन 25 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली और इवन नो रेनफॉल एट ऑल। तो इनकी जो रेनफॉल होती है 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है एनुअली, ठीक है। इन सम डेजर्ट इट हैज नो रेन सिंस सेवरल ईयर, कुछ कुछ डेजर्ट में स्टूडेंट्स ऐसा भी होता है कि सेवरल बहुत सालों तक बारिश ही नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल द एटाकामा डेजर्ट इन चाइल इन साउथ अमेरिका, तो ये बहुत ही हॉटेस्ट प्लेस भी मानी जाती है। सम पार्ट इन दिस डेजर्ट हैव नॉट हैड रेनफॉल फॉर ओवर 400 ईयर, तो 400 ईयर्स मतलब 400 साल पे यहाँ पे बारिश ही नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं ये चाइल एक बहुत ही हॉट प्लेस है साउथ अमेरिका में। सो स्टूडेंट आपको मैंने हॉट डेजर्ट के बारे में बताया, इनकी लोकेशन बताई, इनके नाम्स अफ्रीका में सहारा एंड कालाहारी है, नॉर्थ अमेरिका में ये है, अरेबियन पेनिनसुला में अरेबियन डेजर्ट है, मेक्सिको डेजर्ट इन मेक्सिको, थार डेजर्ट इन इंडिया एंड पाकिस्तान, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ये तो कुछ हॉट डेजर्ट के नाम है, ठीक है। फिर वहां का बताया आपको सॉइल फर्टाइल नहीं होती, इनफर्टाइल होती है क्योंकि टॉप लेयर वहां से हट चुकी है जिसकी वजह से लैंड वहां का फर्टाइल नहीं रहा। फिर उसके बाद मैंने बताया आपको वहां की कंडीशंस के बारे में, वहां पे ना ही एनिमल्स प्रेजेंट है ना ही वेजिटेशन प्रेजेंट है ना वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट, मतलब वाइल्ड लाइफ भी प्रेजेंट नहीं है ज्यादा और ना ही ज्यादा वेजिटेशन प्रेजेंट है। तो हमने ये भी बात करी थी हॉट डेजर्ट के अलावा कौन से होते हैं, कोल्ड और टेम्परेट डेजर्ट भी होते हैं। कोल्ड और टेम्परेट डेजर्ट की लोकेशन कहाँ पे होती है, कोल्ड वालों की आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में और एंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में, और टेम्परेट वाले कहाँ होते हैं, आर्टिक सर्कल के नीचे और एंटार्कटिक सर्कल के ऊपर। तो इनकी लोकेशन हो गई, उनके नाम्स भी पढ़े थे थोड़े से हमने। फिर टेम्परेट ग्रासलैंड की में तो लोकेशन मैंने बताई दी, आर्टिक सर्कल के नीचे एंटार्कटिक के ऊपर, और कोल्ड वाले वहां पे नॉर्थ और आर्टिक के बीच में और साउथ और एंटार्कटिक के बीच में। फिर इनके बारे में ये हाई लेटिट्यूड्स में होते हैं, तो इधर विंटर और कोल्ड के बारे में बताया, इनके टेम्परेचर और इनके नाम्स भी बताए थे मैंने, ठीक है। ये कोल्ड वालों के नाम है, ये टेम्परेट वालों के नाम है डेजर्ट की। फिर यहाँ की सिर्फ अभी हमने क्लाइमेट कंडीशन ही पढ़ी है, दिन में बहुत हॉट होता है और नाइट में बहुत कोल्ड हो जाता है, टेम्परेचर दिन में 50 डिग्री तक पहुंच जाता है और नाइट में 10 डिग्री रह जाता है, रेनफॉल बिल्कुल एनुअली नहीं होती 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, और कुछ कुछ डेजर्ट इतने हॉट है कि वहां पे सालों से कितने कितने साल हो गए 400 ईयर से रेनफॉल ही नहीं हुई है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका क्लाइमेट तक खत्म हुआ है, नेक्स्ट क्लास में हम प्लांट से स्टार्ट करेंगे। ओके थैंक यू।